रिसेंटली दोस्तों टीवीएस टू व्हीलर कंपनी ने टीवीएस रेडर 125 बाइक का और एक नया मॉडल वेरिएंट को लॉन्च किया है इंडियन मार्केट में, जो कि टीवीएस रेडर 125 आईवो वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बाइक अब आपको एक नया लुक्स एंड अपडेट एंड चेंजेस के साथ देखने को मिलेगा एंड इस बाइक को अब आप बाइक का टॉप मॉडल से काफी अफोर्डेबल एंड सस्ता प्राइस रेंज में भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों टीवीएस रेडर 125 बाइक का इस न्यू मॉडल वेरिएंट की अगर बात की जाए तो बाइक का बॉडी डिजाइन आपको सेम देखने को मिल जाता है। बाइक की इस न्यू मॉडल वेरिएंट के लिए कंपनी ने एक नया कलर ऑप्शन को यहां पर ऐड किया है, जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं बाइक में अब आपको लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ ब्लैक कलर में बाइक देखने को मिल जाता है। बाइक के इस न्यू मॉडल वेरिएंट में आपको कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ बाइक में दूसरा कॉस्मेटिक अपडेट किया गया है, जो कि आपको देखने को मिलता है बाइक का व्हील सेक्शन में। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाइक में अब आपको न्यू रेड कलर का एलो व्हील्स को प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से बाइक काफी स्पोर्टी एंड स्टाइलिश लगता है बाकी सारे मॉडल के मुकाबले। बाइक का फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो वो भी आपको टॉप मॉडल के जैसा ही देखने को मिलता है। बाइक में आपको ऑल LED लाइटिंग्स के साथ साथ बाइक में फुल्ली डिजिटल ब्लूटूथ इनेबल्ड मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जहां पर टीवीएस टू व्हीलर कंपनी का स्मार्टेक्स कनेक्टिविटी का फीचर्स को भी प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों बाइक की इंजन एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो बाइक में आपको सेम वही 125cc 3-valve एयर प्लस ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 11.2 bhp पावर एंड 11.2 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करवाता है। माइलेज की अगर बात की जाए तो कंपनी के मुताबिक ये बाइक आपको 50 से लेकर 57 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज प्रोवाइड करवा देता है। दोस्तों बाइक का व्हील्स टायर्स ब्रेकिंग सिस्टम एंड बाकी स्पेसिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो वो भी आपको सेम देखने को मिलता है बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल के जैसा ही। बाइक की रियर साइड में आपको मिल जाता है 100x90 सेशन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर एंड बाइक की फ्रंट में 80x100 सेशन का 17 इंच तक का ट्यूबलेस टायर। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो बाइक की फ्रंट में आपको मिल जाता है 240mm का डिस्क एंड बाइक की रियर साइड में आपको मिलता है 130mm तक का ड्रम ब्रेक। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए बाइक का प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की, तो रिसेंटली टीवीएस टू व्हीलर कंपनी ने टीवीएस रेडर 125 बाइक का ये नया आईगो वेरिएंट को लॉन्च किया है एक ही कलर ऑप्शन के साथ, जो कि आपको देखने को मिलता है लाइट ग्रे एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में। एंड बाइक का इस न्यू मॉडल वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 98,389 रुपीज, जो कि ऑन रोड पर जाएगा 1,14,600 रुपीज तक डेली शोरूम के हिसाब से। तो दोस्तों आप अगर टीवीएस रेडर 125 बाइक को खरीदने का सोच रहे थे तो बाइक का ये नया मॉडल वेरिएंट को आप एक बार देख सकते हैं अपनी नजदीकी टीवीएस शोरूम में जाकर। बाइक आपको एक महीने के अंदर शोरूम में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब।